कैसे हैं आप लोग? आइए, तो आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जया पाठक स्वागत करती हूँ अपने चैनल जया की गम और खुशी में। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। और फ्रेंड देखिए, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है। एक्चुअली मेरा कई दिन से ब्लॉग नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ आज शूट किया जाए और ब्लॉग बनाया जाए। लोग नाश्ते में आज हम लोग बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा मशरूम की सब्ज़ी का रेसिपी भी डाल दूंगी, आप लोग मशरूम सब्ज़ी भी रेसिपी देख लेंगे और इंजॉय भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नीचे। और बहुत ज़्यादा ठंडी है, देखिए जैसे कि देखिए मैंने टोपी ओपी भी लगा रखा है। और चलती हूँ नीचे और दिखाती हूँ आप लोगों को रेसिपी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और मुझे भी सपोर्ट करिए प्लीज़। देखिए, और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ना मशरूम की सब्ज़ी। तो ये है मशरूम। एक्चुअली हम दो ही लोग, आप भी लोग सोचेंगे ना इतना सारा मशरूम क्यों है, हम दो ही लोग हैं, लेकिन हम लोग मतलब वहाँ बनाएंगे और बना के ले जाएंगे। और स्टाफ जो भी हैं हम लोग के साथ, कलीग जो भी हैं, उन लोग भी खाएंगे। और देखिए यहाँ पे मशरूम रख दिए हैं और अभी यहाँ पानी रख दिया गया, गर्म हो रहा है। अभी इसमें डालेंगे, अच्छे से बॉयल होगा ताकि इसमें कुछ महक वगैरह वो जो भी निकल जाए। और इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे, दिखाते हैं। सारा मशरूम यहाँ हमें डाल रही है, इसको उबाल दिया जाएगा हल्का हल्का, मतलब उबालना नहीं है, हल्का हल्का एक तरह से बस गर्म हो जाए। और उसके बाद फिर इसको निकाल के काट के फिर इसको तला जाएगा, लाल होने के लिए भुना जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे धनिया रखा है और ये हम लोग का संतरा है, लिए हैं संतरा, खाते रहते हैं हम लोग। सो फ्रेंड देखिए, मशरूम को यहाँ देखिए अच्छी तरह काट लिया गया है, थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रखा गया था ना, उसके बाद इसको अच्छी तरह काट लिया गया है छोटे छोटे पीसेज में। अब इधर एक साइड में कढ़ाई रख दी गई है, इसमें तेल डाल दिया गया है और ये पूरा अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। देन हम इसमें ये डालेंगे, ये देखिए इधर ये क्या बना के मुरमुरा बना के रखा गया है, इसको इसमें डालेंगे। और फिर देखिए मशरूम में डालने के लिए प्याज लहसुन और मिर्च सब कुछ इधर काट के रखा गया, रेडी है। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे, हल्का ब्राउन या रेड हो जाएगा तो उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। देखिए पूरे अच्छी तरह मिला लेंगे, पूरा मिक्स हो जाएगा पूरा तेल, उसके बाद इसको भूनेंगे। एक्चुअली ये ना जैसे आप इसको उस पर रखेंगे, जैसे आँच लगेगा इसमें, उसके बाद लगेगा जैसे कुछ पानी निकलेगा या पानी छोड़ा जैसे कुछ होगा। अभी कितना ज़्यादा लग रहा था ना, और देखिए कितना कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये होता है देखिए कितना ऐसे निकल रहा है, ये भी अभी बहुत कम हो जाएगा। और इधर सुमा जीरा राइस बनाने के लिए तैयारी कर रही है, अभी घी डाल रही है कुकर में, इसमें जीरा राइस बनेगा और इसमें मशरूम की सब्ज़ी बनेगी। देखिए यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है, यहाँ प्याज कट कर लिया गया, यहाँ पर मशरूम है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट और ये जीरा और ये गरम मसाला और ये ठंडा मसाला, इसमें क्या क्या है, प्याज लहसुन मिर्च। और इधर हमारी कढ़ाई देखिए गर्म हो चुकी है और यहाँ पे देखिए जीरा राइस बन रहा है, तो ये बंद होगा। और यहाँ पे देखिए आटा गूंथ के रख दिया गया है। तो देखिए इसकी कढ़ाई में सबसे पहले तेज पत्ता डालेंगे, ये लाल होने जाएगा, उसके बाद इसमें जीरा डालेंगे। अब जीरा के बाद ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है उसको डाल देंगे। कढ़ाई बड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हुई, गर्म है पूरा हीट है। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे, अब सबको लाल होने तक भूनेंगे। प्याज में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, इससे प्याज जल्दी गल जाता है और ऐसे खड़ा खड़ा सब्जी में दिखेगा अभी नहीं, पूरा मिक्स हो जाएगा। फिर देखिए हमारा कुकर प्रेशर पकड़ लिया है और यहाँ चावल भी रेडी हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स अभी तो देखिए इतना तेज हम लोग डर गए हैं। एक्चुअली गैस पे बन रहा था और इधर से पाइप के पास से गैस लीक किया और पूरा पकड़ लिया था, तो फटाफट हम सिलेंडर साफ कर दिए थे, बच गए। पता नहीं कैसे लीक हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला और पकड़ लिया था। अभी ठीक है, अभी देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें, कुछ चेंज कराना हो तो चेंज भी कराएंगे हम लोग। यहाँ प्याज पूरी भून चुकी है फ्रेंड, प्याज पूरी तरह से रेड हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ये प्याज लहसुन मिर्चा। हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये मसाला। मिक्स करेंगे, सूरज में बुना से लाल लाल बुना के लाल। ये देखिए गाइस सब मिक्स हो चुका है। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, अभी नमक डालना बाकी है। देखिए गाइस मसाला जो है पूरी तरह से भून चुका है, देखिए तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। तो देखिए फ्रेंड्स ये पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें मशरूम डाल के उसको अच्छी तरह भुना गया है, एक्चुअली वो पहले से भुना हुआ था, और फिर यहाँ पे इसमें पानी ऐड किया गया है। वाव इतना तो प्यारा दिख रहा है ना, इतना तो अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ मशरूम का सब्जी का भंडारा है, और आप लोग आइए थाली अपनी अपनी थाली लेके आए और मशरूम की सब्जी ग्रहण करें, तत्पश्चात अपने अपने घर को जाएं। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये इतना ज़्यादा सब्जी हुआ नहीं कि पानी ही नफ, और बहुत अच्छी सब्जी बनी है। वाव वाव तो सब फ्रेंड्स अभी सब्जी बन के रेडी होने वाली है कुछ देर में। देखिए अभी इधर अभी जस्ट रोटी बनाई हूँ, हाँ देखिए, और अब मैं चल रही हूँ नहाऊँगी और इधर दिखाती हूँ, शम्मे से मिलाती हूँ आप लोगों को। इतनी ठंडी में इस चूतिए ने नहा लिया, देखिए गाइस। हाय करो, चलो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और ये देख लीजिए असली चेहरा, इसका असली चेहरा देखिए फ्रेंड, विदाउट मेकअप का चेहरा देखिए, कहीं बेहोश ना हो जाए आप लोग। फ्रेंड्स मैंने हेयर वॉश भी किया है, बहुत सारा काम था सब किया है, और मैं भी रोटी बना ली हूँ, और मैं भी चल रही हूँ नहाऊँगी, रेडी होंगी और ड्यूटी तो जाना ही हम लोगों को। सो फ्रेंड्स मशरूम की सब्जी की रेसिपी कैसी लगी, आई होप आप लोग को अच्छी लगी, और आप लोग भी ट्राई करें, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अगर हमसे कोई भी गलती होती है या कुछ भी होता है आप लोग ज़रूर बताएं। और एक बात और, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई ऐसे मतलब कोई भी वीडियो देखना है या कुछ बताना है, या गोरखपुर में कोई ऐसी जगह है चीज़ है जहाँ मतलब जहाँ की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोग बनाएं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करें। जीरा राइस तैयार हो चुका है, इसको हम पूरे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। और इधर रोटी भी बन गए हैं और उधर सब्जी। तो क्या आज हम लोग वहाँ पर नाश्ता करने वाले हैं, नाश्ता भरपूर, लंच डिनर सब कुछ हो जाएगा। और ब्लॉक एंड भी करना है मेरे को, अभी करते हैं, आते हैं नहा के मिलते हैं रेडी होने के बाद। फाइनली बन के रेडी है, और मतलब सब्जी बन गई है, उसके ऊपर से ये धनिया पत्ता भी डाल दिया गया है। और कैसी लगी आप लोगों को मशरूम की सब्जी, ऐसे बनाइए और ट्राई करिए प्लीज़।